राजेश हत्याकांड पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन जारी है। अतीक गैंग के करीबी सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलेगा। सफदर अली का जो घर है उसे ध्वस्त किया जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। उमेश हत्याकांड में सफदर अली ने हथियार सप्लाई किए थे। बड़े आरोप है सफदर अली पर। सफदर अली के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स अब भी तैनात है। प्रयागराज के राजरूपपुर में आज चलेगा बुलडोजर, और बुलडोजर देख भी रहा है घर के बाहर। सफदर के घर से सामान निकालने की कोशिश जारी है। उमेश हत्याकांड में यूपी पुलिस ने ये बड़ा एक्शन दिखाया है। आज अतीक अहमद के करीबी सफदर अली के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, और ये देखिए सामान निकाला जा रहा है घर से बाहर। उमेश हत्याकांड में सफदर अली पर बड़े आरोप है, हथियार सप्लाई किए गए थे शूटर्स को। उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन काफी ज्यादा सख्त हो गया है। कल जफर के घर को गिराया गया और आज सफदर के घर को गिराने की तैयारी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का, वो आ चुका है यहाँ पर, और इस बुलडोजर के जरिए अब जो है सफदर के घर को गिराने की तैयारी कर ली गई है। कहाँ के लिए बोला गया आपको जाने के लिए? अभी मालूम नहीं है, बताया नहीं गया आपको, हाँ ये बताना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इसी बुलडोजर के जरिए अब सफदर, जो कि असद का काफी ज्यादा करीबी है, उसके घर को गिराने की तैयारी। और आप देख सकते हैं जो बुलडोजर है वो लगातार उनकी संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। काफी करीबी असद का बताया जा रहा है, और आप देखिए जो बुलडोजर है वो इकट्ठा कर लिए गए हैं। और हमारी जानकारी के मुताबिक सफदर के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, और उसके घर में से जो सामान है उसको खाली कराया जा रहा है, ताकि खाली कराने के बाद उस घर को गिराया जा सके। तो फिलहाल आज जो बाबा का बुलडोजर है वो मुख्य जो आरोपी असद के काफी करीबी माने जाने वाले सफदर के घर पर ये गरजेगा, और सफदर के घर को आज जमींदोज कर दिया जाएगा। कैमरामैन हरीश आर्या के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। तो पुनीत जानकारी दे रहे थे किस तरह एक एक आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके बाद अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर लगातार जो सुई मंडरा रही है, अब सभी आरोपी अतीक अहमद के जो बेटे के सहयोगी हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुनीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से। पुनीत, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, और कल एक और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया, आज सफदर अली जो कि बताया जाता है कि अतीक अहमद के बेटे का बहुत करीबी है, इसी ने ही प्लानिंग रची थी, हथियार प्रोवाइड किए थे आरोपियों को, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बुलडोजर चलाया जा रहा है, बड़ा एक्शन प्राधिकरण का। देखिए, शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या हुई थी, और उसको बाद से जो यूपी सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आई थी। विधानसभा में भी योगी ने कहा था कि जो भी आरोपी हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू हो गई थी बुधवार को, जब जफर के घर पर बुलडोजर चला करके उसके घर को जमींदोज किया गया, और आज सफदर अली के घर पर बुलडोजर आ गया। आपको सबसे पहले बुलडोजर दिखाना चाहेंगे, ये तीन बुलडोजर यहाँ सामने खड़े हैं, इसके अलावा एक और चौथा बुलडोजर है पुकलैंड का, उस बुलडोजर को भी यहाँ पर गिराया बुलाया गया, और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे पहले जो सफदर अजली के घर के अंदर जो सामान मौजूद था उस सामान को बाहर लाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जो सूत्र बता रहे हैं कि वो ये है कि सफदर अली की अपनी आर्म की दुकान है, और ये हथियार अतीक अहमद के गैंग को करते थे। हालांकि सफदर अली यहाँ पर खुद मौजूद है, उनका कहना है कि उनकी आर्म की दुकान है, गन की दुकान है, लेकिन उन्होंने कभी कोई हथियार या कारतूस जो है अतीक अहमद या उसके गैंग को सप्लाई नहीं किया। लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और जो सामान है वो निकालने का यहां पे सिलसिला लगातार जारी है। और यहां पर इस वक्त घर के अंदर सफदर अली भी मौजूद है। हालांकि सफदर अली का कहना है कि ये जो घर है वो उनके बेटों के नाम पर है और वो यहां पर रहते हैं, लेकिन सफदर अली का इस पूरे हत्याकांड में क्या रोल है ये पुलिस फिलहाल बताने से बच रही है। लेकिन जो सूत्र हैं पुलिस के वो यही बताते हैं कि सफदर अली जो अतीक गैंग को लगातार
हथियार सप्लाई कर रहे थे और इनकी अपनी गन की दुकान। और देखिए सफदर अली के बेटे ये यहाँ पर खुद सामने मौजूद हैं, जो कि पूरे सामान को घर के बाहर ला रहे हैं। ये घर के अंदर मौजूद था पूरा परिवार, जब प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर लेकर के पहुँचा है और उनको अंदर जाकर के समझाया है, जिसके बाद थोड़ा वक्त दिया गया है सामान को बाहर निकालने का, और सामान लगातार बाहर निकालने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। चार बुलडोजर बुला लिए गए और किसी भी वक्त जब ये सामान घर के बाहर होगा तो सफदर अली के इस घर को गिरा दिया जाएगा। इस वक्त जो तमाम लोग हैं वो लोग यहाँ पर परिवार के मौजूद हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और सफदर अली जो लगातार कह रहे हैं कि उनकी दुकान है, ये सामने सफदर अली मौजूद हैं, फोन पर बात करते हुए उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी गन की दुकान जरूर है लेकिन उन्होंने कभी कोई हथियार या कुछ भी सप्लाई नहीं किया। अतीक से कोई संबंध नहीं ऐसा। पुनीत, ये जो सफदर अली है इस पर आरोप क्या क्या लग रहे हैं? पुनीत, कल खालिद जफर जो कि उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी है, उसके मकान को ध्वस्त किया गया, उसके घर को ध्वस्त किया गया, और आज सफदर अली पर शिकंजा है। सफदर अली पर आरोप क्या क्या लगे हैं इस पूरे मामले पर, इस हत्याकांड को लेकर? देखिए पुलिस प्रशासन इसमें कुछ भी बताने से बच रही है, लेकिन सफदर अली के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने हथियार सप्लाई करते थे तीनों को। हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद है, ये बताइए, आरोप लग रहे हैं कि हथियार सप्लाई करते थे और हथियार, ठीक है पुनीत, नजर बना के रखिए, बड़ा प्रहार है बुलडोजर का और एक एक आरोपी पर बुलडोजर से प्रहार है, कोई आरोपी बचेगा नहीं। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला।